सिवान में पत्रकार राजदेव रंजन की हत्या के 17 घंटे बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। अपराधियों के सुराग ढूंढ रही पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को हिरासत में लिया, जिनमें फिलहाल पूछताछ की जा रही है। हिरासत में लिए गए एक शख्स पर पहले से ही हत्या का केस दर्ज है। जानकारी के मुताबिक बाइक सवार 2 बदमाशों ने इस वारदात को घात लगाकर अंजाम दिया। हिरासत में लिए गए लोगों से सिवान में ही पूछताछ की जा रही है। आपको बता दें, बीती शाम करीब 8 बजे पत्रकार राजदेव रंजन की उस वक्त गोली मारकर हत्या कर दी गई जब वो अपने घर लौट रहे थे। अपराधियों ने घात लगाकर इस हत्या को अंजाम दिया और बेहद करीब से उन पर 5 गोलियां दागी गईं। पत्रकार राजदेव रंजन की हत्या करने वाले अपराधी कौन हैं? इस वारदात को क्यों अंजाम दिया गया? पुलिस फिलहाल इसका पता लगा रही है। वारदात को करीब 15 घंटे का वक्त हो चुका है, लेकिन पुलिस को अब तक इस मामले में कोई खास कामयाबी हाथ नहीं लगी। राजदेव की मौत के बाद से ही परिवार सदमे में है। परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। जिस घर में आज खुशियां चहकनी थी, वहां आज मातम पसरा है। जिस घर में आज जश्न होना था, वहां आज चीख पुकार मची है। मैरिज एनिवर्सरी से 1 दिन पहले बदमाशों ने मारी गोली। बिहार में एक बार फिर बदमाशों ने दिया वारदात को अंजाम। अब ये जंगल राज खूनी राज में बदल गया है। जो अपराधी हैं वो मस्त हैं और आम लोग और जनता पूरी तरह से पस्त है। बीती शाम पत्रकार को मारी 5 गोले। बिहार में अभी आदित्य हत्याकांड का मामला शांत भी नहीं हुआ था कि बिहार के सीवान में शुक्रवार को एक सीनियर जर्नलिस्ट राजदेव रंजन को मौत के घाट उतार दिया गया। वारदात सीवान जिले के रेलवे स्टेशन के बाहर की है। राजदेव रंजन सीवान से हिंदुस्तान अखबार के ब्यूरो हेड थे। राजदेव रंजन की हत्या के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। आज ही राजदेव रंजन की 18वीं मैरिज एनिवर्सरी थी। परिवार जश्न के इस मौके को खुशियों के साथ मनाना चाहता था, लेकिन ऐसा हो पाता उसके पहले ही बदमाशों ने उन्हें मौत के घाट उतार दिया। सिवान के पत्रकार राजदेव रंजन का आज शादी की 18वीं सालगिरह है, लेकिन आज यहाँ जो खुशी मनाई जानी थी उसके बदले आप देख सकते हैं कि महिलाएं कैसे रो रही हैं। कल शाम को राजदेव रंजन को सिवान में बबुनिया मोड़ से थोड़ा आगे जाने के बाद एक ब्रिज के पास अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि रात करीब 8 बजे पत्रकार राजदेव रंजन अपने घर लौट रहे थे, तभी घात लगाकर बैठे बदमाशों ने उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। बदमाशों ने बेहद करीब से राजदेव रंजन के सिर और गर्दन में 5 गोलियां मारी। सबसे हैरत की बात यह है कि जिस इलाके में राजदेव रंजन पर गोली चलाई गई वो बेहद भीड़भाड़ वाला इलाका है। वजह जो भी रही हो, लेकिन मोटिव जो भी रहा हो, लेकिन मरने वाला है वो हथियार का ज्ञान भी रखता था और इसी उसने उसे मारा था कि किसी भी तरह से घटना के बाद व्यक्ति बच नहीं पाए। यही बात है, आई विटनेसेस है तो हम लोग उन्हें भी खोज रहे हैं। उससे स्पष्ट हो जाएगा कि क्या घटनाक्रम रहा था या उस समय कितनी भीड़ थी, क्योंकि अभी तक लोग कोई सामने नहीं आए हैं जिन्होंने घटना देखी है, तो उन लोगों की तलाश भी जारी है। जानकारी के मुताबिक बदमाशों ने राजदेव रंजन को पहले 4 गोलियां मारी। गोली लगते ही राजदेव बाइक से नीचे गिर पड़े, लेकिन बदमाशों ने उनकी मौत को कंफर्म करने के लिए राजदेव को एक और गोली मारी जो उनके सिर में लगी थी। परिवार के मुताबिक राजदेव रंजन की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, इसके बावजूद क्यों उनकी हत्या की गई ये किसी को समझ में नहीं आ रहा है। हम लोग अचानक पता चला कि उनका एक्सीडेंट हुआ है, तो हम लोग गए फॉरन हॉस्पिटल में, तो देख रहे हैं कि गोली लगा हुआ है। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं थी, वहाँ लोग बता रहे थे कि बहुत देर से गिरे हुए थे और कोई नहीं उठा रहा था। हम लोग प्रशासन से भी बात किए तो बोले कि जो होगा सो हम बाद में देखेंगे।
शुक्रवार को सीवान में सीनियर पत्रकार की हत्या से नीतीश लालू की महागठबंधन सरकार खुद कानून व्यवस्था के सवालों के घेरे में आ गई। बीजेपी के सीनियर लीडर शहनवाज हुसैन ने बिहार की सरकार को महाजंगल राज बताया। महागठबंधन क्या हुआ? महागठबंधन में महाजंगल राज स्थापित हो गया है। हर आदमी डरा सहमा सा है और बिहार के अंदर सरकार हाथ पर हाथ धरे रखी बैठी है, इंतजार करती है और हर घटना के बाद कहते हैं कि 48 घंटे में कार्रवाई करेंगे। तो हर रोज घटना होगी और आप कार्रवाई करेंगे? सरकार घटना को रोकने के लिए कार्रवाई कीजिए, घटना के बाद आप कार्रवाई करके अपनी पीठ मत थपथपाइए। बीते जितनी घटनाओं को आपने देखा, 24 से 72 घंटे के अंदर गिरफ्तारियां हुई हैं, महत्वपूर्ण गिरफ्तारियां हुई हैं। और भाजपा जब महाजंगल राज या जंगल राज कहती है ना, तो पहले हमें दुख होता था, अब हमें हंसी आती है। हाल ही अलग चुनाव आ रहे हैं, हार की हताशा को आप जंगल राज की संज्ञा से बार बार ढकने की चेष्टा करोगे तो लोग समझते हैं, लोग आपसे ज़्यादा संजीदगी से चीज़ों को देख रहे हैं। बिहार में लगातार खराब होती कानून व्यवस्था के सवाल पर नीतीश कुमार तो चुप हैं। नीतीश के सिपहसालार हर हाल में अपराधियों को पकड़ने का दावा कर रहे हैं।